हेलो फ्रेंड्स, आपने अक्सर देखा होगा कि गंजापन न केवल पुरुषों को बल्कि अब तो महिलाओं को भी सताने लगा है। सही डाइट ना होने की वजह से, सही क्लाइमेट ना मिलने की वजह से, इन सारी चीजों का प्रभाव हमारे सर पर और हमारे बालों पर भी पड़ता है। आइए जानते हैं कि अगर महिलाओं के अंदर गंजापन काफी ज्यादा आपको सता रहा है तो उसके क्या कारण है और उन कारणों को ठीक करने के उपचार कौन से हैं। दोस्तों, वैसे इस बात को पक्के तरीके से नहीं कहा जा सकता है कि महिलाओं के अंदर गंजेपन का कारण क्या हो सकता है। हो सकता है कि आपकी दादी माँ या नानी माँ में से किसी के भी सर पर इस प्रॉब्लम का अंदेशा रहा हो और इसी वजह से आपको भी ये प्रॉब्लम सौगात में मिली हो। हो सकता है कि आप ज्यादा स्ट्रेस लेती हो या फिर सही तरीके से अपने बालों में ऑयलिंग ना करती हो, जिसकी वजह से आपके बालों के अंदर ब्लॉकेज ज्यादा हो गई हो। ब्लॉकेज का मतलब होता है आपकी वह जड़ें जो ब्लॉक हो जाती हैं, जिसके अंदर से बाल उगना शुरू होते हैं। अगर आपकी वही जड़ों के अंदर ब्लॉकेज आ जाती है तो उस हिस्से में बाल जुड़ते नहीं है और इसीलिए वो उग भी नहीं पाते हैं। कई बार ज्यादा टेंशन लेने की वजह से या फिर मोनोपोज की वजह से भी बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं और महिलाओं के सर में भी गंजेपन का अंदेशा आने लगता है। कई बार ये सारी चीजें किसी सर्जरी या फिर कीमोथेरेपी की वजह से भी हो सकती हैं। जी हाँ, कीमोथेरेपी वही थेरेपी होती है जो कि कैंसर जैसी बड़ी बीमारी को ठीक करने के लिए रोगी को दी जाती है। कई बार इसी थेरेपी की वजह से भी इंसान के सारे बाल झड़ जाते हैं और जब वापस नए बाल उगते हैं तो सर के किसी हिस्से पर सही से बाल उग जाते हैं तो किसी हिस्से पर सही से बाल नहीं उग पाते हैं। ये सारे कारण हो सकते हैं कि आपके सर में गंजापन आने लगा है और इसके उपचार को करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप सही तरीके से सबसे पहले डॉक्टर या फिर डर्मेटोलॉजिस्ट से मिले ताकि आपको अपने सर की और अपने बालों की स्थिति पता लग सके। दोस्तों, वैसे तो महिलाओं के अंदर गंजेपन के ज्यादा इलाज अभी सामने नहीं आए हैं, लेकिन अगर आप अपने बालों का इलाज करना ही चाहते हैं तो सबसे पहले अपने डॉक्टर से मिले या फिर डर्मेटोलॉजिस्ट से मिले, अपने सर की स्थिति जानने की कोशिश करें और उनसे ही दवा लिखवा कर किसी अच्छे लोशन या फिर ऑयल से अपने स्कैल्प पर अच्छे तरीके से मसाज करें। आपने बात तो सुनी ही होगी, जमीन कितनी भी बंजर हो, अगर आप निरंतर उस पर पानी और खाद डालते रहें तो कभी ना कभी बीज जरूर फूटता है। इसीलिए अगर आप अपने सर की सही तरीके से देखभाल करेंगे तो हो सकता है कि आपका गंजापन दूर हो जाए। आप चाहें तो हेयर ट्रांसप्लांट भी करवा सकते हैं। आजकल के युग में हेयर ट्रांसप्लांट एक आम बात हो गई है, लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए आपको किसी स्पेशलिस्ट से मिलने की जरूरत है। किसी नौसिखिया से हेयर ट्रांसप्लांट करवाने की गलती ना करें। दोस्तों, ये है महिलाओं के अंदर गंजेपन के कारण और उपचार। इस वीडियो को जरूर देखिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए YouTube पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।